नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट का दूसरा ऐसा सेशन जब आपके सामने थोड़ा सा कश्मकश है कि बाजार के अंदर इस समय क्या किया जाए। कल तो खैर एक तरफा हो गया था बाजार और लगातार टूटता हुआ दिखा, लेकिन आज भी गिरावट थी, लेकिन अब कुछ रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो ये शुक्रवार का इफेक्ट है जो आपको आज अंतिम बाजी में दिखेगा, और हम इसी कार्यक्रम में समझेंगे कि ओवरऑल मार्केट के अंदर अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अगला हफ्ता वो हफ्ता है जब आप एग्जिट पोल से रूबरू होंगे। अगले हफ्ते के अंदर बाजार अपना एक लिटमस टेस्ट करने के लिए निकलेगा, तो एक बार से ठीक पहले बाजार अपने आपको पूरी तरह से एक उसी रेंज के अंदर रोक रहा है जिस रेंज के अंदर सबसे सेफ समझता है, यानी कि 9000 के नीचे और 8800 के ऊपर। ये पूरा जब से मार्च सीरीज शुरू हुई है ये सबसे सेफ्टी वाली रेंज है बाजार की, और इसी सेफ्टी पैटर्न के साथ बाजार अभी भी आगे चल सकता है। आज भी पूरी तरह से सीमित दायरे का ही कामकाज होते हुए दिख रहा है और मार्केट के अंदर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। आज बाजार टूट जाता अगर रिलायंस उसको सहारा नहीं देता। हालांकि सरकारी बैंक और निजी बैंकों ने जोरदार दबाव बनाया बाजार पे आज कमजोरी का, लेकिन ये ज्यादा बाजार का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हाँ, इन्होंने इंडिविजुअली बैंक निफ्टी को कमजोर कर दिया। इंडिया विक्स अभी भी 1% की हल्की बढ़त के साथ है। इसका मतलब आप ये समझे कि बाजार के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम तो खैर नहीं आने वाला। ये मोमेंटम कहीं भी 100-150 पॉइंट करेगा जब तक हम एग्जिट पोल नहीं आ जाते हैं। रिपोर्ट्स के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय इंफ्राटेल आज जोरदार दौड़े। इंफ्राटेल तो अब 6% ऊपर है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने शिखर पर पहुंचा है और अपने 52-week हाई को लगातार मेंटेन कर रहे हैं। सीमेंट, चीनी और आईटी कंपनीज में खरीदारी है। सुबह भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि आज कॉमोडिटी के शेयर्स में कहीं ना कहीं मोमेंटम आएगा। चीनी के अलावा सीमेंट और दूसरी कॉमोडिटी टायर्स, ये भी आज चलते हुए दिखे। तो कुछ स्पेसिफिक एक्शन देखा आज के सेशन में, लेकिन इंडेक्स वॉलेटाइल है और अभी निफ्टी 10 अंक नीचे 8888 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ राकेश बंसल मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और साथ साथ आशीष चतुर्मोथा भी हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। आशीष, पहले आप बताइए इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे ट्रेडर्स को जो पोजीशंस अगले हफ्ते के लिए कैरी करना चाहते हैं, वो भी ये ध्यान में रखते हुए कि अगला हफ्ता वॉलेटाइल हो सकता है एग्जिट पोल और उसके बाद यूपी इलेक्शन के रिजल्ट्स। क्या सलाह आप देंगे निफ्टी ट्रेडर्स को? गुड आफ्टरनून दीपाली। बिल्कुल जैसे मैं डिम्पी ने कहा ऑलरेडी कि एक रेंज में बाजार रहेगा, और बिल्कुल वही व्यू हमारा है कि बाजार जो है वो अभी कोई बड़ा डायरेक्शन लेगा नहीं इवेंट के पहले, और बिल्कुल 8800 जो है वो ऑन डाउन साइड एक अच्छा सपोर्ट साबित होगा। वहीं ऊपर में 8960 8970 पे बाजार कंटिन्यूसली एक स्टिफ रेजिस्टेंस दिखाएगा। इस जोन के अंदर में ही बाजार ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। अगर से कोई निफ्टी के अंदर में ट्रेड कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि इस समय पर कॉल और पुट दोनों को राइड कर देना चाहिए। जिसको शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट एंगल की स्ट्रैटेजी हम कहते हैं उसको इस समय पे अपनाई जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाजार सीमित दायरे में रहेगा और ऑप्शन प्रीमियम जो है इस सिचुएशन के अंदर में नेक्स्ट 4-5 दिनों के अंदर में काफ़ी कम होगा, और ये स्ट्रैटेजी जो होगी उसके अंदर में आप 9000 की कॉल राइड कर सकते हैं, साथ ही साथ 8800 की पुट राइड कर सकते हैं, और इसको नेक्स्ट 5-7 दिन कैरी करते हैं ये ट्रेड को, तो ये मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बनने की संभावना रह सकती है। हालांकि बाजार का टेस्ट अभी थोड़ा खट्टा मीठा है, लेकिन एक चीज़ जो चल रही है वो शुगर स्पेस है, वो लगातार चल रहा है, और हमने इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर ऐसा एक पेच बन गया है जो कि शुगर कंपनीज को कम से कम यहाँ से 10% का स्विंग दे देता है। जब भी कोई खबर आती है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर आज फिर से कोई बड़ी खबर है, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी अब हट सकती है क्योंकि चुनाव कंप्लीट होने जा रहे हैं, 8 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएंगे, और ठीक उससे पहले सरकार की ये मंशा थी कि इम्पोर्ट ड्यूटी को हटा दिया जाए, क्योंकि गन्ना किसान कहीं नाराज ना हो जाए, इंपोर्टेड शुगर बाहर की सस्ती भारत में आ जाएगी तो यहाँ के जो निजी किसान उत्तर प्रदेश की चीनी के वो कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए। शायद ये बड़ा फैसला हो सकता है टाल भी दिया गया हो, क्योंकि प्राइजेस अपलिफ्टमेंट है, यानी कि प्राइजेस लगातार ऊपर ही बने हुए हैं, लेकिन अभी फैसला चुनावों के बाद हो सकता है। हालांकि अभी भी सुगबुगाहट है, होगा नहीं होगा मंत्रालय डिसाइड करेंगे, लेकिन शुगर कंपनीज में आपको कौन सा शेयर पसंद है? राकेश, आप कौन सा शुगर का शेयर आपको पसंद है? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। डिम्पी, एंटायर शुगर स्पेस काफ़ी अच्छा लगता है और सबके अंदर एक अच्छा अपस्विंग देखने को मिल रहा है। मेरा टॉपिक इस स्पेस से डालमिया भारत शुगर है, फॉलोड बाय द्वारके शुगर। ये दोनों शुगर स्टॉक्स मेरे को काफ़ी पसंद है, हालांकि दोनों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल चुका है। किसी भी गिरावट में 6 से 8 महीने का नज़रिया बना के इन स्टॉक्स के अंदर एक निवेश की पोजिशन ली जा सकती है। जी, ज़्यादातर शुगर स्टॉक्स जो हैं वो दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहे हैं। शायना मुकदम भी इस बीच हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। शायना, गुड आफ्टरनून।
चाइना आज इंडेक्स तो कहीं नहीं गया लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ठीक ठाक रहा। स्पेशली आप देखिए शुगर स्टॉक जिनकी हम बातचीत कर रहे थे, एक और स्टॉक जहां पर हमने आइडिया वोडा के मर्जर की खबरों के बाद से लगातार पिटाई देखी थी वो थी भारतीय इंफ्राटेल, लेकिन आज ये स्टॉक 6% ऊपर है। ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड की वजह से इस स्टॉक में आज एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। आपकी राय क्या है शेयर पर स्पेशली आज के मूव के बाद? देखिए इतना करेक्शन के बाद थोड़ा ये मेरे हिसाब से रिबाउंड हो रहा है बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस, प्योर वैल्यूएशंस। बट अगर आप मल्टीबैगर या एटलीस्ट इन माय व्यू या हाई ग्रोथ स्टॉक देख रहे हैं तो आई थिंक बेटर टू स्टिक टू प्योर टेलीकॉम। जैसे भारती इट्सेल्फ इज अ बेटर प्ले, भारती एयरटेल मेरे हिसाब से फॉर 2 या 3 साल के व्यू से रादर देन इंफ्राटेल, जो इट्स मोर ऑफ अ आई वुड से डिविडेंड टाइप ऑफ प्ले। तो आई थिंक जो काफ़ी टेलीकॉम में जो चेंजेस आ रहे हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के कंसोलिडेशन के हिसाब से, और रिलायंस जियो भी अभी प्राइजिंग आई थिंक FY18 में उनका स्टेबलाइजेशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइजिंग, आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स विल सी सम स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जो डिक्लाइन हमने देखा था इन आरपोज, वो डिक्लाइन अभी मेरे हिसाब से स्टॉप होंगे एंड दी स्टॉक्स विल कम बैक इन आई थिंक द बाइंग लिस्ट। सो आई थिंक इन टेलीकॉम भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया टुगेदर मर्जर लुक्स बेटर। सिर्फ 2 अंक लाल निशान में अभी निफ्टी, हो सकता है अंतिम बाजी में हरा निशान भी आ जाए और ये बढ़त भी दिखा दे। आप सेंसेक्स में देखिए सिर्फ 5 अंक का नुकसान है, बैंक निफ्टी सिर्फ अभी 50 पॉइंट नीचे है। ये वो सारी कन्विक्शन है या वो सारा बेस है जो बाजार अभी खोना ही नहीं चाहता या फिर खो भी नहीं रहा। ये ब्रीदर चाहिए था, मार्केट को ब्रीदर मिल गया 125 से 150 पॉइंट का, शायद उसके बाद ये सेफ जोन भी है बाजार के लिए, इसलिए यहाँ से तोड़ना बाजार को एक बड़ा नेगेटिव व्यू के साथ हमको जरूर चाहिए होगा। खबरें आ रही हैं लेकिन बाजार इसी में ही डाइजेस्ट कर रहा है। एक बार आप वीकली या आवरली गेनर्स भी देखें जो भी मार्केट के अंदर मोमेंटम दिखा रहे हैं, उसमें जो निफ्टी के शेयर्स हैं उसमें इन्फोसिस आज लीड कर रहा है। ये 1000 के ऊपर वैसे भी स्ट्रांग समझा जाता है, सुबह हमने यही सवाल पूछा था 1000 के ऊपर या 1000 के नीचे कन्विक्शन ज़्यादा काम करेगी और आज भी कर गई करीब 10 रुपये ऊपर। BPCL में अच्छा पुल बैक मिल गया। जी एंटरटेनमेंट और गेल, ध्यान रखिएगा मीडिया के शेयर पे FDI की खबर, रिफॉर्म की खबर कभी भी आ सकती है। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने की खबर शुगर पे आएगी यूपी चुनाव के बाद तो यही खबर FDI रिफॉर्म्स को लेकर, नियम ढील करने को लेकर, ये भी चुनावों के ठीक बाद आ सकती है। तो इसलिए उसमें टेलीकॉम, डिफेंस और मीडिया तीनों ऐसे सेगमेंट है जिस पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ग्रासियम और गेल जैसे शेयर्स भी ऊपर हैं। एस्कॉर्ट्स कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, 6% ऊपर है। राकेश आपकी रिकमेंडेशन एस्कॉर्ट्स पे, ये 2 दिन से करीब 10% मिल चुका है, बहुत है या फिर और मिलना बाकी है? डिम्पी काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट अगर आप देखें तो कल की मार्केट की क्रैक में एस्कॉर्ट्स में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया था और कल इनफैक्ट मैंने इस पर एक बाय कॉल दिया था 483 के लक्ष्य के लिए। नहीं, बाइंग की सलाह तो नहीं दूंगा मौजूदा सरों पर, बट किसी के पास है तो निश्चित तौर पर होल्ड करना चाहिए, फर्दर अप मूव यहां से एक्सटेंड हो सकता है। जी, एक स्टॉक देखिए वो है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का। सुबह मार्केट ओपनिंग से पहले लग नहीं रहा था कि ये स्टॉक इतना अच्छा मूव देगा आज के सेशन में, और देखिए अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर खरीदारी हुई है, कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं और ऐसा बज है मार्केट में कि बड़े HNIs और कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज ने पोजीशन सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में बनाई है। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहा है 3% की बढ़त के साथ। आशीष, हालांकि इस साल के शुरुआत से ही एक कांस्टेंट मूवर रहा है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, लेकिन जिन लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी ये फेस करता है, अभी करना क्या चाहिए पोजीशन होल्डर्स को सिंटेक्स में? देखिए बिल्कुल पोजीशंस लॉन्ग बिल्डअप की बन रही है, आज भी आप देखेंगे तो 11% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ और सीरीज की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट रोल ओवर्स में भी हमें देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रेंड बिल्कुल मजबूत बना रहेगा और ऊपर में 107-108 के लेवल्स इस स्टॉक में आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकते हैं। ये है कि अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, नीचे में अब मुझे लगता है 93-92.50 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उस उन लेवल्स के आसपास का एक स्टॉप रख के 108 तक के टारगेट्स सिंटेक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं।